18 फरवरी दिन शनिवार महाशिवरात्रि का दिन। महाशिवरात्रि के दिन रीवा में एक नया रिकॉर्ड बनेगा, जिसको बनाने के लिए 5 फीट ऊंचा 10.5 फीट चौड़ा बर्तन मंगा लिया गया है, जिसमें 5100 किलो का महाप्रसाद बनेगा। हालांकि पुराना रिकॉर्ड 3000 किलो का है। टीम चाहती है कि 3000 किलो से ज्यादा हम खाना बनाकर अपना नाम एशिया बुक में दर्ज करा दें। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। महाशिवरात्रि के दिन एशिया बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराने की तैयारी में रीवा के शिव बरात टीम, जिसके लिए उसने 5 फीट ऊंचा 10.5 फीट चौड़ा बर्तन मंगाया है, जिसमें 5100 किलो का महाप्रसाद बनेगा। टीम इसको कम मानकर चल रही है। वह चाहती है 3000 का पुराना रिकॉर्ड टूट जाए। हमारी टीम ने आयोजन समिति से बात की। न्यूज नेटवर्क ट्विटर, मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ पचमटा में। आप अपने स्क्रीन पर एक मंदिर देख पा रहे होंगे, इस मंदिर की क्या है खासियत? यहाँ आदि शंकराचार्य अपने द्वारा ये 5वें मठ की स्थापना किए और शंकर जी की मूर्ति है। और यहाँ 1235 वर्ष पूर्व आदि शंकराचार्य यहाँ आए थे और 15 दिन रुके थे। आदि शंकराचार्य यहीं पर आए थे 1235 साल पहले, यहीं पर रुके थे। 5वें मठ की स्थापना उनने यहाँ पर की थी। हमारे साथ ये टीम है, शिव बरात की टीम है। क्या है खास बात आज? बात इसको लेकर, ये एक कड़ा देख रहे होंगे, ये कड़ा इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। किस तरीके का कड़ा, पहले कहां के बारे में बात, इस कड़ा की क्या खासियत? इस कड़ा की जो सबसे बड़ी खासियत है, ये पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कड़ा बना है। और ये कड़ा बनाने में कम से कम नहीं तो हम लोगों को 1.5 महीने लग गए। और ये अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जगह से असेंबल्ड हुआ है। आगरा में कुछ काम हुआ है, कानपुर में हुआ है कुछ काम इसका, इस प्रकार से बनके यहाँ पे आया। लंबाई चौड़ाई इसकी, लंबाई जो है आपको 10x10 की है चौड़ाई, और ऊंचाई जो है 5 फीट है। 5 फीट ऊंचा, लगभग 10 से 10.5 फीट चौड़ा इस कड़ा में महाप्रसाद बनेगा महाशिवरात्रि के दिन। किस तरीके से क्या क्या डालेंगे इसमें? लगभग हम लोग 600 किलो दाल और 600 किलो चावल, 400 किलो दाल और लगभग 80 किलो घी ऐसा करके, और उसमें सब्जियां रहेंगी लगभग 1000 किलो ऐसा करके इसको अपन तैयार करेंगे। तमाम इंतजाम कर लिए हैं, मेनू बना लिया है, खिचड़ा इसमें बनेगा। और खिचड़े को एक क्या देना चाहते हैं, खिचड़े को किस क्या नाम देंगे? ये महाप्रसाद रहेगा, भोले बाबा का महाप्रसाद। भोले बाबा का महाप्रसाद, राष्ट्रीय व्यंजन की बात, राष्ट्रीय व्यंजन की हम लोगों ने इसमें चर्चा की है कि इसको खिचड़े को राष्ट्रीय व्यंजन घोषित किया जाए, राष्ट्रीय व्यंजन घोषित किया जाए। मनीष जी, महाशिवरात्रि के दिन जिस तरीके से यहाँ पर एक आयोजन होता है, धीरे धीरे ये एक अपने आप में बड़ी छाप छोड़ रहा है। क्या है महाशिवरात्रि के इस बार, क्या है खास? ये इसको छोड़ के, ये तो आपने एक अद्भुत कारनामा करने की तैयारी करी ली है, इसके अलावा बताइए। शिवरात्रि में इस बार जो खास होने जा रहा है, जितना भी कार्यक्रम हो रहा है इस बार एंटीक होगा। जो भी चीज दिखेंगी आपको लगेगा कि क्या कार्यक्रम हो रहा है, सुंदरता के साथ उसके किस रूप में हम लोग प्रस्तुत करेंगे। इस बार महिलाएं कैसे आएंगी, आगे आएंगे बच्चे कैसे चलेंगे, बाबा के साथ कैसे डांस रहेंगे, कैसा भूत रहेंगे, लोग स्वयं बनना चाह रहे हैं। इस बार कोई यार टीम नहीं आ रही है, यहाँ की शुभ बरात वाले ही बनना है। कोई भूत बनना है, कोई प्रेत बनना है, कोई माता बन रही है, कोई भोले बाबा बनना है, इस तरह का आयोजन लोग उत्साह बनना है। एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ आपको, यह कार्यक्रम जो हो रहा ना, अभी महिला शक्ति और माताओं ने, बहनों ने एक इतना बड़ा आयोजन कर रखा है, मैं दंग रह गया। मैंने क्या, उन्होंने बोला कि भगवान ने, आप अधूरा काम करते हैं, माता जी का अधूरा काम, हमके क्या हो गया गलती भाई, मुझे क्षमा करे। बोला कि मैं माता जी का पूरा हल्दी का कार्यक्रम करूंगा और उसमें जो कार्यक्रम होता है मेहंदी का कार्यक्रम करूंगा और वहां डांस करूंगा, बाजा बजवाऊंगा और ढोलक बजाऊंगा, ताल मरंडा सब कार्यक्रम करूंगा। यह कार्यक्रम 16 तारीख को निश्चित किया गया है बैजू धर्मशाला में। और बैजू धर्मशाला में क्यों किया गया, उसका जब अंदर आप देखेंगे ना तो लगेगा कि वृंदावन में पहुंच गए हैं, हम वृंदावन का आनंद ले रहे हैं, हम ऐसी उसमें छाया लग रही है। और यह कार्यक्रम, और क्योंकि बैजू धर्मशाला में तो दोनों तरफ भोले बाबा है, ऊपर भगवान कृष्ण भगवान वृंदावन की लीला होती है, और वह कार्यक्रम केवल महिलाओं का, महिला शक्तियों का, बहनों का ही कार्यक्रम रहेगा, उसमें पुरुष अलाउ नहीं रहेंगे, उसमें पुरुष अलाउ नहीं रहेंगे। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मंदिर
इसी मंदिर पे आदि शंकराचार्य पूजा करते थे। इस बार महाशिवरात्रि में बहुत कुछ खास होने जा रहा है। अभी तक एक दिन का आयोजन था, अब इस आयोजन को कई दिन करने की इन्होंने प्लानिंग कर ली है। सबसे बड़ी बात, ये कड़ा 5 फीट ऊंचा, 10.5 फीट लगभग चौड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। हमारी पूरी नजर इस महाशिवरात्रि के पर्व पर लगातार बनी रहेगी। और जो भी, हाँ, और कुछ खास है क्या? हाँ भाई साहब, देवों के देव महादेव की जय। उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए हम लोगों ने करीब 1000 से 2000 लोगों को, शिव भक्तों को 5 तारीख को एक हम लोगों ने कार्यक्रम किया है उत्सव राजविलास में अनाथालय के पास। क्यों किया, इसका भी कारण बताओ। हम एक पारिवारिक कार्यक्रम करते हैं और रीवा की जनता में कार्यक्रम है ये अपना, और ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य था कि हम लोग एक साथ प्रसाद लें और इसको उत्सव को महोत्सव बनाए। उस दिन कार्यक्रम का मतलब एक महाआरती होने जा रही है, संत समागम का कार्यक्रम होने वाला है उसमें, और संध्या भजन होने जा रहा है, सांध्य भजन होने जा रहा है। इस बार कुछ ज्यादा ही तैयारी कर ली है, ऐसा कहना है मनीष गुप्ता जी का। हमारी नजर पूरे कार्यक्रम पर लगातार बनी रहेगी और भी जो भी ताजे अपडेट होंगे इस टीम के द्वारा वो हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।